नहीं भाई मैंने तो कुछ भी नहीं मंगाया, कह रहा नहीं आप ही का नंबर है, तो मैंने उनसे ले लिया और मैंने ऊपर आके देखा तो मैं शॉक हो गया कि ये कहाँ से आया और किसने भेजा है, क्या है ये, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस एम पेट्स व्लॉग्स। सो गाइस आज मैं आपको मौसम दिखाता हूँ, पहले दिखा दूँ ये देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, सुबह सुबह हुई है बारिश और हमारा ड्रो कितना खुश है। हाँ ड्रो खुश है खुश है। तो गाइज मैं ना रोज सोचता था कि बारिश हो जाए बारिश हो जाए, अभी पिछले 2 दिन से सोच रहा हूँ कि धूप निकले क्योंकि हमारा जो टर्टल है उसको धूप दिखानी है, लेकिन रोज 2 दिन से धूप ही नहीं निकल रही, 2 दिन से बारिश हो रही है, मौसम इतना अच्छा हो रहा है, ये देखो घटा घटा चारों तरफ। तो चलो गाइज सबको मैं खाना दे देता हूँ, सारे बर्ड्स भूखे हैं। तो गाइज सभी बर्ड्स अपना अपना खाना खा रहे हैं, हमारा ये देखो ये ड्रोगो ने खा लिया और ये देखो हमारे सारे ग्रे अच्छे से एप्पल खा रहे हैं। हेलो मिठू अब नहीं बोलेगा। और ये देखो स्प्राउट्स खा रहे हैं, सनकन्यू नीचे भी खा रहे हैं। तो गाइज मुझे आपको एक चीज बतानी थी, जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनको शायद ये बात पता ना हो कि हमारा जो मैंगो है ना वो मेरा नहीं है, वो मेरी छोटी बहन का है, ये वाला, ये जो हमारा बोर्ड मैंगो है ना ये वाला, ये मेरा नहीं है मेरी छोटी बहन का है, और वो बहुत दिनों से मांग भी रही थी, लेकिन दिक्कत यह है कि मेरा भी मैंगो पे दिल आ चुका है, मैं भी नहीं दे रहा उसे, 1 साल से रख रखा है मैंने लगभग इसे। तो मैंने सोचा है कि मेरे पास ना देखो 2 पाइनएप्पल का न्यू रहे हैं, एक तो ये वाला और एक देखो मैंगो के पीछे खाना खा रहा है, देखो ये रहा। तो ये वाला जो ये वाला है ना ये मैंगो से लड़ता है, तो मैंने सोचा कि मैंगो की जगह इसको दे देता हूँ, मैंने उसे मना भी लिया है, तो हमने उससे मैंगो हथिया लिया हथिया क्या लिया, मेरे को बहुत पसंद है मैंगो, मेरा मन नहीं कर रहा उसे देने का, तो मैंने उसको मैंगो को दे दिया। और जो गाइस हमारा टर्टल है ना खाना खा रहा है ये भी, हेलो कितना प्यारा सा है। अभी टर्टल को क्या करेंगे, धूप तो निकल नहीं रही तो गर्म पानी करता हूँ मैं, और गर्म पानी में टर्टल को सोक करना है जिससे थोड़ा सा इसको बॉडी हीट मिल जाए। तो चलो पहले अपने टर्टल का पानी गर्म करते हैं। भाई इसमें देखो हमने थोड़ा पानी गर्म कर लिया है और थोड़ा पानी इसके अंदर ठंडा है, अब इसको हम मिला देंगे, अब देखते हैं हम मिला के कि कितना ठंड गर्म है। ठीक है, गुनगुना है हल्का हल्का। अभी क्या करेंगे हम, सो गाइस हम ना जल्दी से अपने इसको, ये जो हमारा कछुआ है ना प्यारा प्यारा, आज ये जा रहा है तो हम इसको थोड़ा सा नहला देंगे, क्योंकि वैसे तो धूप निकाल के मुझे इसका हर गर्मी देनी थी पर धूप है ही नहीं यार, देखो चारों तरफ पूरी बारिश बारिश आ रही है, तो मैंने सोचा हाँ लीली इसको लीलियो देखो कैसे परेशान रहती है इसके पीछे, तो हम थोड़ी सी देर अपने कछुओं को इसमें रख देंगे, तो ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उससे क्या होता है ना ये रेप्टाइल है ना, तो रेप्टाइल खुद से गर्मी नहीं कर सकते हैं, वो ठंडे ब्लड कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो थोड़ी बहुत तो नॉलेज मुझे भी है। अब इसको हम थोड़ा सा नहला देंगे, नहालो नहालो आहा। और सेम प्रोसेस हम अपने सांप के साथ भी करेंगे, क्योंकि आज ये दोनों जा रहे हैं, आज इनकी मेहमान नवाजी करने का आखिरी दिन है ना लीली, है ना लीली, लीली तो पागल हो जाती है इसको देख के, पता नहीं क्या लगता है इसको, पता नहीं क्या है ये, आ दो पैरों पे खड़ी हो जाती है हमारी बच्चा, चलो आ जा आ जा आ जा आ जा, ये रहा हमारा ड्रोगो है ना ड्रोगो, आ जा बेटा कम ऑन बच्चा। अरे गाइज मैं ना एक बर्ड और लाने के लिए सोच रहा हूँ अपने पास में, होता है बहुत खूबसूरत होता है बहुत, लेकिन ये बहुत जेलस फील करने वाला है उससे, तो मैं देखता हूँ मेरी बात चल रही है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारे पास जल्दी हमारा एक आ जाएगा। और गाइज ये हमारी प्यारी प्यारी ईवा, हेलो ईवा आ जाओ ग्रे आ जाओ गुड बॉय। अच्छा दोस्तों मुझे ना बहुत सारे कमेंट मिले थे कि ईवा को आप अलग कर दो, ईवा को लकवा है, ये सारी चीजें, ईवा अभी भी डेंजर बर्ड है, आज तक में अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, काट ली काट लेगी। तो ईवा का सीन पता है क्या है, जो लकवे की प्रॉब्लम होती है वो नहीं है, वो सिर्फ कबूतरों में होती है कि गर्दन ऊपर उठा लेते हैं, मैंने सभी डॉक्टर से बात कर ली है, वो मुझे बता रहे थे कि इसे लकवा नहीं है, इसको कोई नर्व प्रॉब्लम है और इसका ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जितना भी हो सकता है हम कराएंगे जरूर, लेकिन इसको लकवा नहीं है। तो सो गाइस आप चिंता मत करो, हमारे किसी भी बर्ड को कुछ नहीं होगा, इसके कोई नर्व की प्रॉब्लम है, कोई नस वस है जो दब चुकी है, और वो ठीक कराने में थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन हम ठीक जरूर कराएंगे ये वाला। और गाइस देखो हमारा स्नेक ये रहा भाई, हमारा तो नहीं है जाना है ये आज, जब तक लेकिन हमारे पास में तब तक तो हमारा ही है भाई, इतना सॉफ्ट सॉफ्ट सा, पता है कितना सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है ये, इसको पकड़ लेना मैं, ओए होए, इसको भी थोड़ी देर पानी में रखना है,
इसको भी थोड़ी गर्मी चाहिए क्योंकि मौसम ना ठंडा है। मेरे पास कोई भी इंतजाम नहीं है यूवी लाइट्स वगैरह का क्योंकि मैं रेप्टाइल्स रखता ही नहीं हूँ, तो इनको ना थोड़ा सा सोक कर देना है पानी में, गर्म पानी में, जिससे कि थोड़ी सी गर्मा गर्मी अपने अंदर ले सके। पहले इसको बाहर निकालू, 10 मिनट हो गए इसको, वाइट टर्टल को 10 मिनट हो गए, तो अब थोड़ा सा पानी गर्म करूंगा मैं और एक्स्ट्रा, और फिर अपने स्नेक को डालूंगा उसके अंदर। चलो तुम बैठो यहाँ, हम अभी टर्टल को लेके आते हैं। वो बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, इधर इधर बैठना है थोड़ी देर, थोड़ी सी देर बैठ जाओ। और ये तो भाग रहा है, तो ये तो भाग रहा है, रुक जा, बस रुक जा, पानी गर्म करते हैं थोड़ा सा और। क्या वाली, तुमको भी नहाना है क्या? तुमको भी नहाना है, तुम्हें भी नहलाऊंगा मैं, इसको तो नहाना पसंद है। चलो अपने टर्टल को निकाल लेते हैं, पानी हो गया इसको, 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसको थोड़ी देर रख देते हैं, ये आराम करेगा। और बारी अब हमारे स्नेक की, बैठ जा। ये देखो पानी हो गया गर्म, पहले ये पानी हम डालेंगे इसमें क्योंकि ये वाला पानी अब ठंडा हो गया। अब देखते हैं हम हाथ से कितना गर्म है पानी। हाँ ठीक गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। अब चलते हैं हम अपने स्नेक को लेकर आते हैं। ये रहा अपना स्नेक, थोड़ी देर ये भी नहा ले। आ जाओ बेटा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चलो नीले हो, कितना खुश हो रही है, तुम भी थोड़ी देर रह लो यहाँ पर। अरे बाप रे बाप भाई, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है मेरे को। कैसे कर रहा है, तैर रहा है ये ऊपर की तरफ उठ के। नीली क्या देख रही है, थोड़ी देर 10 मिनट रुक जाओ। सो गाइस, जो हमारा स्नेक है उसको मैंने रख दिया था अंदर थोड़ी देर के बाद में। और देखो बारिश ना अभी भी हो रही है और मुझे बॉक्स लेने जाना है, मैं बॉक्स लेके आता हूँ क्योंकि आज ये दोनों, हमारा जो स्नेक और हमारा जो सलकाटा है, वो दोनों जाने वाले हैं जिनके वो हैं असल में। तो गाइस मैं नीचे से सामान लेकर आ गया था, बॉक्स वगैरह जिसमें ये हमारे टर्टल और स्नेक जाना था। उसके बाद एक भैया मुझे नीचे मिले कूरियर वाले, उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं नीचे से ही आ रहा था, मैंने फोन उठा लिया, कह रहा है भैया आपका सामान है, मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं भाई मैंने तो कुछ भी नहीं मंगाया, कह रहा नहीं आप ही का नंबर है। तो मैंने उनसे ले लिया और मैंने ऊपर आके देखा तो मैं शॉक हो गया कि ये कहाँ से आया और किसने भेजा है, क्या है ये, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो खोल करके ये देखो, ये दो टर्टल हैं, ये सेम दोनों टर्टल्स उसी की तरह हैं जो हमारे पास बड़ा वाला है। तो फिर भैया का कॉल आया जिनका वो टर्टल है, उन्होंने कहा कि मैंने दो और भेजे हैं, उनको भी भिजवा देना साथ में। मैंने क्या क्या भिजवा दूं मैं साथ में, मैं सोचा पता नहीं कहाँ से आ गए, ये परेशान हो गया था नहीं तो मैं। तो गाइस जल्दी से इनको दिखा रहा हूँ मैं आपको, अभी आधे घंटे में बस हम निकलेंगे इनको देने के लिए। दो हमारे ये हो गए और एक ये बड़ा वाला। देखो मैं एक साइज कंपेरिजन दिखाता हूँ आपको, ये बड़ा है और ये बहुत बड़ा नहीं है, और ये इससे छोटा है, ये तो छोटा सा है क्यूटी पाई सा, और ये बड़ा वाला है, और ये अभी और बड़ा हो जाएगा, ये काफी बड़ा हो जाता है, ये 3-4 फीट तक के हो जाते हैं। सो गाइज फाइनली अब ये अपने घर जा रहे हैं, मुझे बुरा भी लग रहा है क्योंकि जो हमारा टोटोइस था ना वो बड़ा प्यारा था, मैं उसके साथ खूब खेलता था, मतलब बाहर उसके साथ बैठ के ऐसे चल चल के आता था, बड़ा क्यूट क्यूट सा था। मैंने इनको देखो पैक कर दिया है अच्छे से डब्बे में, ये रे, जिससे कि ये सेफली अपने घर पहुंच सके, अपने नए घर। तो गाइस मैं घर से निकल गया था, रास्ते में हूँ मैं, दिख नहीं रहा होगा आपको, वैसे अंधेरा हो रहा है, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ चलकर मिलते हैं। तो गाइस मैंने वो टोटाइज वगैरह दे दिए हैं, भैया ले गए हैं और वो सेफली अब घर पहुँच जाएंगे। आज की वीडियो को हम करते हैं यहीं खत्म, हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइस मिलते हैं कल, बाय।